नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। SYL पर फिर से बात करेंगे। पंजाब हरियाणा 28 को चंडीगढ़ में आयोजित होगी मीटिंग। केंद्रीय मंत्री शेखावत होंगे शामिल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर व पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। बैठक में सतलुज यमुना लिंक पर फिर से हरियाणा और पंजाब करेगा बात। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे को लेकर करेगा मध्यस्थता। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब तक अवैध हथियारों की तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने घर में चलाई जा रही हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी। यहां से पंजाब में किए जा रहे थे हथियार सप्लाई। हथियार बनाने वाले 10 लोगों को 22 अवैध पिस्तौल सहित किया काबू। पूछताछ में अमृतसर के रक्षित सैनी का नाम आया सामने। इसे ही किए जाने थे हथियार सप्लाई। पंजाब सरकार ने इस सीजन में पराली जलाने के मामलों में किसानों को किया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। इसमें से 53% जुर्माना वसूला। पंजाब सरकार ने वसूली में तेजी लाने की भी कार्रवाई की शुरू। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की घटनाओं के बीच बीते कुछ महीनों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने उठाए कड़े कदम। लोकसभा घुसपैठ केस में 8 सुरक्षाकर्मी हुए सस्पेंड। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ की मीटिंग, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। मामले की जांच के दिए गए सख्तादेश। बता दें कि आरोपियों ने पहले ही कर ली थी रेकी। सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक मामले में किया जमकर हंगामा। टीएमसी सांसद को बचे हुए सत्र के लिए किया गया सस्पेंड। वहीं लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सांसदों को ध्यान में रखना होगा कि वे ऐसे लोगों को संसद में दाखिल होने का पास ना दे जिनकी वजह से अराजकता फैलने का डर पैदा हो। सिक्किम में फंसे 800 टूरिस्ट को सेना ने बचाया। बारिश और बर्फबारी से रास्ते में फंसे थे टूरिस्ट। भारतीय सेना ने बताया कि बचाव अभियान रात भर चला। टूरिस्ट को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया गया जहां ठहरने से लेकर उनकी देखभाल की गई हर व्यवस्था। इस दौरान टूरिस्टों ने राहत मिलने पर सैनिकों का भी जताया आभार। राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या के आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे। गोगामेडी के मर्डर के दौरान बदमाशों द्वारा फेंकी गई खून से सनी जैकेट बरामद। रिमांड में नितिन सैनी ने कहा कि गोगामेडी के मर्डर से करीब 15 दिन पहले नवीन सिंह शेखावत और रोडी राठौर ने की थी रेकी। इसके मास्टरमाइंड ने हरियाणा से नितिन फौजी को भेजा था जयपुर। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 15 दिसंबर को लेंगे शपथ। अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में आयोजित होने वाले इस समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जारी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से सदन में 2 युवकों के घुसने के बाद कल से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। सत्र के लिए इस बार 3-लेयर सिक्योरिटी का होगा इंतजाम। सदन के भीतर सिक्योरिटी गार्डों की होगी तैनाती। वहीं बता दें कि सदन में फुल बॉडी स्कैन के बाद ही होगी एंट्री। मैदानी इलाकों में दिखने लगा पहाड़ों पर बर्फबारी का असर। पश्चिम विक्षोभ के कारण, मौसम में बदलाव के कारण हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ ठंड। बीती रात राज्य में अब तक की सबसे बड़ी ठंडी रात रही। 24 घंटे में हिसार के बालसमंद में 1.7 डिग्री तक पारे में आई गिरावट। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जल्दी धुंध भी देगी दस्तक। सच कहूं न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।